भारत में रक्षाबंधन पर्व का विशेष महत्व माना जाता है। यह त्योहार पूरे भारत वर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है और राखी को रक्षा सूत्र भी कहा जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और मुंह मीठा कराती है और उनसे जीवन भर रक्षा करने का वचन लेती है। इसके साथ ही भाई इस दिन बहनों की रक्षा करने का वचन देते हुए उन्हें तोहफे और शगुन देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं रक्षाबंधन का एक बड़ा रहस्य ये भी है कि इस त्योहार की शुरुआत भाई बहन से नहीं बल्कि एक पति और पत्नी से शुरू की गई। इसके बाद से संसार में रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। और अगर भविष्य पुराण के पन्ने पलटे तो सबसे पहले इंद्राणी यानी इंद्रदेव की पत्नी ने इंद्र को राखी बांधी थी और तभी से ये परंपरा शुरू हुई। चलिए आपको बताते हैं क्या है इसके पीछे का रहस्य। भविष्य पुराण के अनुसार जब देव और दानवों का युद्ध अपने चरम पर पहुंच गया था और देवताओं की हार लगभग निश्चित हो गई, तब इंद्र विचलित होकर बृहस्पति के पास गए। गुरु बृहस्पति ने इंद्र को श्रावण पूर्णिमा के दिन कलाई पर एक पवित्र धागा बांधने की सलाह दी। इसे इंद्राणी यानी इंद्र की पत्नी द्वारा बनाया गया था। इस पवित्र धागे की शक्ति से इंद्र युद्ध में विजयी हुए। इस श्रावण पूर्णिमा से रक्षाबंधन की शुरुआत हुई। यह धागा धन, शक्ति, हर्ष और विजय का प्रतीक माना जाता है। तभी से मान्यता है कि बहनें अपने भाई और पत्नियां अपने पति को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र और विजयी होने की कामना करती हैं। श्रावण पूर्णिमा के दिन सची ने इंद्र को रक्षा सूत्र बांधा था, इसलिए इस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। भविष्य पुराण के अनुसार रक्षाबंधन पर बहन अपने भाई को नहीं बल्कि उन सभी को रक्षा सूत्र बांध सकती है जो उनकी रक्षा करता है, चाहे वो भाई हो, पिता हो या फिर पति। द न्यूज नगरी की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।